नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 चुनावी साल है, इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावी साल में महागठबंधन की चुनौतियां बड़ी नजर आ रही हैं, आरजेडी की चुनौतियां बड़ी नजर आ रही हैं। आरजेडी और महागठबंधन अपने अंदरूनी झगड़ों से उबर नहीं पा रहा है। लगातार इस तरह के कयास और संकेत मिलते रहे हैं कि महागठबंधन में कलह मची हुई है, आरजेडी में कलह मची हुई है, और कई बार ऐसे बयान सामने आ जाते हैं, ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ जाता है जिससे इन कयासों को मजबूती मिलती है। एक बार फिर इसी की वानगी देखने को मिली है। रघुवंश प्रसाद सिंह, जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिख दी है, लेटर बम फोड़ दिया है रघुवंश प्रसाद सिंह ने। आप जानते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह किस मिजाज के नेता हैं और कितने आक्रामक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी यानी अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस चिट्ठी में रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखा है, शिकायत की है लालू से कि पार्टी की बूथ स्तरीय, पंचायत, प्रखंड और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की समितियों का गठन नहीं हुआ है। मौजूदा परिस्थिति में लड़ाई के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चुनौतियां बड़ी हैं लेकिन पार्टी में कोई विमर्श ही नहीं होता। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि संगठन के लिए संघर्ष और संघर्ष के लिए संगठन दोनों जरूरी है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपनी चिट्ठी में यह भी कहा है कि सत्ताधारी दल मीडिया के जरिए आरजेडी को गालियां दे रहा है, लेकिन आरजेडी की ओर से कोई प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं होती। तो जाहिर है आरजेडी अपनी ही पार्टी को लेकर कई शिकायतें की हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर लेटर बम फोड़ दिया है, और लेटर बम से आरजेडी के अंदर खाने जाहिर है भूचाल तय है, क्योंकि यह चिट्ठी लिखी गई है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को, पार्टी के सुप्रीमो हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, और देखना है कि वो रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी के पर क्या एक्शन लेते हैं, पार्टी में क्या बदलाव नजर आता है आरजेडी के अंदर खाने से, और क्या कौन से बयान सामने आते हैं, क्या असर होता है इस लेटर बम का। लेकिन इतना तय है कि अक्सर जो कयास लगते रहे हैं कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है, पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज चल रहे हैं, कई नेता ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं, पार्टी की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, उन कयासों को, उन खबरों को मजबूती मिलती है, वो खबरें पुख्ता हो जाती हैं ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद। और एक बार फिर यह दिखा है जब रघुवंश प्रसाद सिंह ने लेटर बम फोड़ा है, चिट्ठी लिख दी है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को, सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन में एंट्री को लेकर भी रघुवंश प्रसाद सिंह मुखर रहे हैं, तेजस्वी यादव नो एंट्री का बोर्ड दिखाते रहे हैं नीतीश कुमार को, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो नीतीश जरूरी हैं। तो अपनी बातों को आक्रामक तरीके से रखते हैं और उसी आक्रामक तरीके से अपनी पार्टी के खिलाफ भी कई बातें उन्होंने कही है, अपनी पार्टी की गड़बड़ियों को चिट्ठी में लिखा है और लालू से शिकायत की है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।